अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंसा की बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई। एक बारात के जश्न के दौरान जाटव और मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। मामला मेरठ के रसूलपुर गांव का है। जाटव समाज की बारात में डीजे बजने को लेकर हंगामा हुआ और फिर मारपीट की गई। बारात पर पत्थरों की बारिश की गई। अचानक सैकड़ों पत्थर छत से चलने लगे। बारात वाले घर में भगदड़ मची। जाटव समाज के एक परिवार के घर में शादी थी। आरोप यह है कि बारात में डांस कर रही महिलाओं के वीडियो बनाए गए। गैर समुदाय यानी कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर बदसलूकी तक करने की कोशिश की और कुछ ही देर में पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पूरे मामले में अब पुलिस एक्शन में है। 18 नामजद आरोपियों पर FIR किया गया है। 3 आरोपी हिरासत में है और बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। तस्वीरें देखिए पूरे हंगामे की। जब दो गुटों के बीच में जबरदस्त हंगामा हुआ, एक पक्ष मुस्लिम समुदाय का, दूसरा पक्ष जाटव समाज का। शादी का माहौल था, बारात चल रही थी और बारात को ही टारगेट कर दिया गया। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि दूसरा पक्ष न सिर्फ बारात के अंदर इस तरीके से अशोभनीय घटनाएं कर रहा था बल्कि घर के अंदर घुसकर भी कई घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई। ये देखिए छत से चलते हुए पत्थर। देखिए मेरठ का रसूलपुर गांव जहां पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया और बारात पर यह हमला किया गया। अब शादी समारोह है, बारात निकलती है तो डीजे बजना, नाच गाना होना, इस तरीके का माहौल तो बड़ी आम सी बात है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जब इस गली से बारात निकल गई थी तो कोहराम मच गया? इस वक्त मेरठ से हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। कुमार, ये शादी के माहौल में बारात में डीजे बजना, नाच गाना होना, ये कौन सी नई बात है? लेकिन एकाएक इस गली में ऐसा क्या हो गया कि पत्थरबाजी होने लगी? बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ये सोमवार की घटना है जब एक बारात जो है निकल रही थी। बारात में डीजे बजाने और जो डीजे के गानों पर जो है महिलाएं जो डांस कर रही थी शादी में, उनका वीडियो बनाने को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है, जिसके बाद विवाद जो है दो संप्रदायों के बीच में हो गया और उसके बाद लात घूसे तो चले ही, साथ ही साथ पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है फिलहाल, क्योंकि मामला जो है 2 अलग अलग कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में इलाके में तनाव ना हो, जो माहौल है वो ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, उसको ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस ने जो रसूलपुर गांव है वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी है, एक्स्ट्रा पुलिस वहां पर तैनात की है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश ना करे। हालांकि जो दूसरे नामजद आरोपी हैं उनकी तलाश में जो है पुलिस लगातार लगी हुई है और जो आरोपी है उन्हें पकड़ने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शादी में डीजे बजाने और जो को लेकर बवाल क्यों हुआ? खासतौर पर जो पीड़ित पक्ष है उनका ये कहना है कि जो परिवार की महिलाएं हैं वो जब डांस कर रही थी शादी में बारात में, तो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, समुदाय विशेष के लोग हैं, वो उनका वीडियो बना रहे थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी इस तरह का कोई वीडियो तो जरूर सामने नहीं आया, लेकिन पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी मीनाक्षी, हो सकता है जब ये बवाल खड़ा हुआ तब वो वीडियो बनाकर डिलीट कर दिया गया हो। इसकी क्या गारंटी है कि जब बवाल हुआ तो वो वीडियो भी संभाल कर किसी व्यक्ति ने रखा हो अपने फोन में? कानून का तो खौफ होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये खौफ दिखाई नहीं दिया उस पल भर के लिए।